वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशक्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी या राम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। नमस्कार मित्रों, मैं तुषार दास आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज मैं श्री रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित वीरस प्रधान प्रसिद्ध महाकाव्य रश्मिरथी के एक प्रेरणादायी अंश वसुधा का नेता कौन हुआ का पाठ करने जा रहा। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं, जो आपड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, शूलों का मूल नसाने को, बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खमठोंक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उकड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्ती का बीज उजियाली हो, पत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वा पाता है, पीसा जाता जब इक्षुदंड झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार बनती ललनाओं का सिंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशक्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी या राम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झजोरते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही, वाटिका और वन एक नहीं, वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंदर आतप अखंड पौरुष के हैं साधन प्रचंड, वन में प्रसून तो खिलते हैं बागों में शालन मिलते हैं, कंकरियां जिनकी सेज सुघर छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं लोरी आंधियां सुनाती हैं, जो लाश अग्रह में जलते हैं वे ही शूरमा निकलते हैं, बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिनगारी है। धन्यवाद।